नमस्कार, आप सुन रहे हैं न्यूज़ बिहार झारखंड। 13 जनवरी बुधवार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं प्रिया तायल। आज के मुख्य समाचार। इंडिगो के मैनेजर रुपेश सिंह के हत्याकांड मामले में पुलिस ने पटना, छपरा और गोपालगंज में की छापेमारी। पटना में रुपेश सिंह की हत्या के बाद तेजस्वी यादव बोले, थक गए हैं नीतीश कुमार, अब नहीं संभल रहा है बिहार। बिहार में चार मंचलों ने घर में घुसकर नाबालिग के साथ किया गैंगरेप, सबूत मिटाने के लिए जलाया जिंदा। कोरोना के चलते झारखंड के प्रसिद्ध बलबल पशु मेला पर लगा विराम, 55 साल बाद टूटी परंपरा। जमशेदपुर वन विभाग ने लॉन्च किया नया सिस्टम, लोगों और जानवरों की घुसपैठ पर लगेगी रोक। अब खबरें विस्तार से। पटना में इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह के हत्यारों की तलाश शुरू हो गई है। इस मामले की तहकीकात कर रही एसटीआई ने पटना, गोपालगंज और छपरा में छापेमारी की है। इसके साथ ही रुपेश के सहकर्मियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस का दावा है कि उसे कोई पुख्ता सबूत मिले हैं। दरअसल मंगलवार शाम पटना में दिनदहाड़े रुपेश सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ऐसा बताया जा रहा है कि बाइक सवार बदमाशों ने रुपेश पर ताबड़तोड़ 6 राउंड फायरिंग की और फरार हो गए। इंडिगो के स्टेशन हेड रुपेश सिंह की पटना में हुई हत्या के बाद तेजस्वी यादव ने सीधे नीतीश कुमार और बीजेपी पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार अब पूरी तरह से थक गए हैं, उनसे बिहार नहीं संभल रहा है, गृह विभाग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। प्रदेश में जब तक सैकड़ों हत्याएं, अपहरण, रेप, गैंगरेप जैसी घटनाएं नहीं होती हैं, सीएम नीतीश कुमार और उनके सहयोगियों को नींद नहीं आती है। डबल इंजन की सरकार से अब बिहार नहीं चल पा रहा है। साथ ही कहा कि प्रदेश में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई। यहां एक नाबालिग छात्र को गैंगरेप के बाद जिंदा जलाकर मार दिया गया। ये घटना साहेबगंज थाना इलाके के एक गांव की है। यह वारदात 3 जनवरी की बताई जा रही है, लेकिन इसकी एफआईआर मंगलवार को साहेबगंज थाने में दर्ज कराई गई है। इस घटना से एक तरफ जहां इलाके में सनसनी फैल गई है, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस के होश उड़ गए हैं। पुलिस को दिए गए आवेदन के मुताबिक 16 साल की नाबालिग छात्रा को उसी के गांव के 2 लड़के गुलशन और चंचल कुमार ने बीते 5 दिसंबर को घर में बुलाकर अपनी हवस का शिकार बनाया था। दोनों ने छात्रों के साथ आपत्तिजनक तस्वीरें भी उतार ली, जिसके बाद ये दोनों उस छात्रा और उसकी एक बहन को भी ब्लैकमेल करने लगे, जिसके बाद बीते 3 जनवरी को दिन के करीब 10 बजे गुलशन और चंचल नाबालिग छात्रा के घर में घुस गए। उनके साथ उनके 2 अन्य साथी अभिनय और राजा भी मौजूद थे। चारों ने कमरा बंद कर लिया और पीड़ित के साथ रेप किया। रेप के बाद चारों ने मिलकर पीड़िता की हत्या कर दी और सबूत मिटाने की नीयत से शरीर को आग लगा दी। कोरोना वायरस की महामारी के चलते झारखंड के चतरा में मकर संक्रांति के मौके पर लगने वाले 4 राज्यों का प्रसिद्ध बलबल पशु मेला का आयोजन नहीं हो पा रहा है। यह 55 साल में पहला मौका है जब मेला नहीं लगेगा। यही नहीं, जिला प्रशासन की ओर से कोरोना वायरस के खतरे को लेकर मेले पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन इससे स्थानीय लोग, दुकानदार और व्यापारी मायूस हैं। बता दें कि बलबल पशु मेले की शुरुआत 1965 में चतरा के पूर्व विधायक महेंद्र सिंह भोक्ता के नेतृत्व में हुई थी। उस समय चतरा और हजारीबाग के स्थानीय लोग मेले में पहुंचते थे, लेकिन धीरे धीरे इसका स्वरूप बदलता गया और फिर इसमें बिहार, बंगाल और छत्तीसगढ़ के व्यापारी भी पहुंचने लगे।
जमशेदपुर शहर के पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा वन विभाग की तरफ से लोगों और जानवरों के बीच घुसपैठ संघर्ष को कम करने के लिए एक एनिमल इंट्रूशन डिटेक्टेशन एंड रेप्लिटेशन सिस्टम बनाया गया है। यह पहला राज्य है जहां ये सिस्टम बनाया गया है। शहर के 4 गांवों में सिस्टम स्थापित किया गया है, जबकि आने वाले दिनों में 17 और गांवों को कवर किया जाएगा। चाईबासा के DFO सत्यम कुमार ने बताया कि ये सिस्टम सिंहभूम हाथी रिजर्व के तहत आने वाले क्षेत्र में मानव हाथी संघर्ष की घटनाओं को रोकने में सहायक होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगली मुलाकात होगी कल। नमस्कार।